नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज की रेसिपी है कचौरी की और ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, तलते समय एक भी कचौरी आपकी खुलने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कटोरी ली है मैंने मूंग दाल धुली हुई, जितनी कचौरी बनानी उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने पानी डाल के धो के साफ़ कर लेना है पहले दाल को, तो दो से तीन पानी धो के अच्छे से मैंने दाल को साफ़ कर लिया है। फिर वापस पानी डालना है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें और फिर उबालने के लिए दाल को रख देना है गैस के ऊपर। तो ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। इसके बाद में फिर लेंगे मैदा, तो मैदा भी आप जितनी कचौरी बना रहे हैं उस हिसाब से मात्रा रखें। तो ये दो बाउल मैंने मैदा लिया है, तो ये दो बाउल लिया मैंने। तो इसके बाद चौथाई चम्मच नमक डाला है, नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब अजवाइन, तो अजवाइन को हल्का सा इस तरह हथेलियों पे थोड़ा सा मसल के फिर आप डालें। और इसके बाद में डालेंगे घी, तो यहाँ पे चार चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। घी की जगह आप तेल डाल सकते हैं, तो मोइन डालना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो कचौरी होती है वो खस्ता बनती है। समोसा हो या कचौरी, उसमें मोइन डालना ज़रूरी होता है। तो हल्का सा घी मुझे कम लग रहा है, तो हल्का सा मैंने और डाला है। और इसके बाद में फिर घी को अच्छे से मैदे के साथ में इस तरह मिला लिया है। फिर हल्का हल्का पानी डालते हुए मैदे को गूंथ लेंगे। तो हल्का हल्का पानी डालते हुए मैदे को गूंथ लेना है, एकदम से ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा फिर सॉफ्ट हो जाएगा। और नॉर्मल मैंने पानी जैसा है वैसे लिया है, अगर सर्दी है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। और लास्ट में हल्का सा घी डाल के, जैसे हम आटा गूंथते हैं लास्ट में तेल या घी ज़रूर लगाते हैं, इससे जो मैदा है वो अच्छा चिकना तैयार होगा। इस तरह थोड़ा सा वापस मसल देना है। ये देखिए, इस तरह चेक कर लें, उंगलियों पे चिपकना नहीं चाहिए, इस तरह का आपको गूंथना है। और दाल को भी हम चेक कर लेते हैं बीच में, ये देखिए झाग झाग हो गए दाल पर, अक्सर ऐसा होता है झाग आ जाते हैं। तो ये झाग जो है मैं अभी निकाल दूँगी एक बार, और गैस को मैंने कम करके ऊपर के जो झाग है वो निकाल के थोड़ा सा वापस मैं पानी चेंज करने वाली हूँ। तो वापस मैंने पानी डाला है, इससे दाल के जो पाउडर वगैरह है वो निकल जाते हैं। और दाल को इस तरह चेक कर लेना है, हल्का सा भी और कच्ची है तो और पकने देंगे। तो आधा कटोरी यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, तो बेसन को मैंने एक थाली में छान लिया है। तो दाल को जो है दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है, और एक पैन मैंने गैस के ऊपर रखा है और इसमें मैंने बेसन को डाल लिया है। तो तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बगैर तेल डाले और कम आँच पे बेसन को इस तरह भून लेना है। तो गैस की आँच को आप कम ही रखें, ये देखिए, और लगातार इस तरह भून लें, बेसन को अच्छे से भून लेना है जब तक कि अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाए बेसन से। तो बेसन को एक थाली में मैंने ले लिया, अच्छे से बेसन को मैंने भूनना था, आप देख सकते हैं, और अच्छे से इस तरह तैयार कर लिया है। इसके बाद में दाल को चेक कर लिया है, तो दाल हमारी अच्छे से गल गई है, ये देखिए। तो दाल को एक छलनी में निकाल देंगे, और अच्छे से इस तरह दाल का जो पानी है निकाल दिया है मैंने और छलनी में रख लिया है। और इसके बाद में एक पैन लिया है, तो पहले गैस जला के पैन को गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। और एक चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है, और इसको थोड़ा सा इस तरह बारीक कर लेंगे। ये हम कचौरी में डालते हैं तो कचौरी का स्वाद टेस्ट बदल जाता है, तो लेकिन ज़्यादा नहीं डालना होता, हल्का सा डालना होता है। तो इस तरह तैयार करके रख लेना है धनिया, ताकि एकदम से आप डालेंगे तो काम आएगा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक अच्छी बड़ी साइज़ की है ये, तो तेल डाला है। और ये लिया है अजवाइन, जीरा और राई। तो तेल आप जो भी खाते हैं, सरसों का खाते हैं तो आप सरसों का ले सकते हैं। ये हींग डाल रही हूँ, हींग आप जो भी कंपनी खाते हैं ले सकते हैं। साथ में जो सूखी मेथी आती है वो मैंने डाली है। इसके बाद में जो दाल है उसको मैंने पैन में डाल दिया है। तो दाल को इस तरह लगातार चलाते रहेंगे, ये देखिए अभी चिपक रही है, बाद में फिर ये चिपकना भी पैन में बंद हो जाएगी। जैसे ये भुनने की जैसे सिकना शुरू हो जाएगी, फिर पैन में भी चिपकना बंद हो जाएगी। इस तरह अच्छे से भून लेना है जब तक कि अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाए। तो ये देखिए मैं लगातार चला रही हूँ, और आंच को मीडियम कर सकते हैं या फिर आप कम कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आप आंच को कम या ज़्यादा करते रहें। तो इस तरह मैं अच्छे से भून के तैयार कर लूँगी। तो अच्छे से दाल को लगातार चलाते रहें,
और ये देखिए पैन से अलग होने लगे जैसे जैसे ये सिक रही है। वैसे भी हमने उबाल के फिर डाला है, अगर भीगी हुई दाल को हम भूनते हैं तो जल्दी भून जाती है, लेकिन फिर वो कच्ची रह जाती है, फिर हमारे जो पेट वगैरह फिर दर्द हो जाए, अगली बार हम कचौरी का नाम भी नहीं लेते हैं। और ये देखिए जैसे जैसे दाल सिक रही है वैसे वैसे तेल भी अलग होने लग गया है, तेल अलग हो के आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखिए तेल अलग हो चुका है। इसके बाद में जो बेसन है वो डाल देना है, जब तेल अलग हो जाए दाल से तब आप बेसन डालें, और बेसन डालने के बाद में हल्का सा और चला लें, इस तरह भून लेना है। और फिर हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, तो एक चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और ये जो हमने धनिया तैयार किया था बारीक करके वो साथ में मैंने डाल दिए हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल और बेसन के साथ में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हल्का सा साथ में पानी डालना। पानी ऐसा नहीं है कि दिखाई देगा, लेकिन हल्का पानी डालना ज़रूरी होता है, इससे क्या है बेसन और दाल जो है हमारे जो पानी की प्यास लगाती है, ऐसी रेटी बनती है, फिर वो नहीं बनती। हल्का सा लास्ट में आप पानी ज़रूर डालें, और वैसे भी दाल और बेसन जो है पानी को सोख लेगी, तो पानी ज़्यादा भी नहीं डालें कि सब्ज़ी नहीं बनानी, हमें मसाला तैयार करना है कचौरी का। हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इस तरह थोड़ा घुमा दें, और जब लगे कि हाँ पानी सोख लिया है तब आप गैस को बंद कर दें। ये मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद में मैंने चाट मसाला डाला एक चम्मच, आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं। ये देखिए जो पानी डालना था बिल्कुल भी नहीं रहा, और इस तरह फिर चाट मसाला डालने के बाद में वापस मिक्स कर दिया है। ये मसाला कचौरी का हमारे तैयार हो गया, तो हल्का इसको ठंडा होने देंगे, गरम गरम कचौरी में नहीं डालना। और इसके साथ में फिर तेल रख दें गरम होने के लिए, ताकि तेल भी गरम हो जाए। तो ये मैंने कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर और गैस जला दिए हैं, और अब भी साइड में हम जो मैदा गूंथ के रखा है उसकी कचौरी तैयार करेंगे। तो तेल बीच में चेक करते रहें कि गर्म हो गए हैं, तो गैस की आंच को आप कम कर दें। और अभी हम बनाएंगे इस तरह लोई, कचौरी के लिए सामान्य ही लोई बनानी है, फिर इस तरह बेल लेना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रिक आपको बता रही हूँ, पानी ज़रूर लगाएं, इस तरह पानी लगा के हल्का सा जैसे हम समोसे पे लगाते हैं, गुंजियों पे लगाते हैं, उस तरह आप पानी लगा दें। और पानी लगाने के बाद में जो मसाला है वो हल्का हमारा ठंडा भी हो गया है, इस तरह लड्डू की तरह बना के और मसाला बीच में रख के, और फिर इस तरह कचौरी को हम उठा के और ऊपर का जो एक्स्ट्रा का आटा है, एक्स्ट्रा ऊपर का पोटली की तरह आप बना के और हल्का सा ऊपर का आटा आप इस तरह निकाल दें, और फिर इस तरह हथेलियों से दबाते हुए और फिर कचौरी का आकार दे दें। तो कचौरी को अच्छे से बंद जरूर कर दें, खुला ना रखें, वैसे हमने पानी लगाया तो अच्छे से चिपक जाएगा, खुलेगी नहीं। जहाँ से आपको लगे कि खुल रही है उनको हथेलियों से इस तरह दबाते हुए कचौरी को इस तरह तैयार कर लें, इस तरह आकार दे देना है। तो यहाँ पे फिर आपको बेलन नहीं लगाना, हाथों से ही इस तरह कचौरी का आकार दे देना है। और तेल हमारा गर्म हो गया है तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, तेल गर्म हो जाए तब गैस को कम करके फिर कचौरी को तेल में डाल दें, और फिर अगली भी कचौरी इस तरह हम तैयार करेंगे साथ में, ताकि बेलते रहें। हल्का सा चाहे तो सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, एक बार ही लगाने की आवश्यकता है, ज़्यादा बार बार रोटी की तरह मैदा ना लगाएं। ऊपर से फिर हल्का सा इस तरह पानी ज़रूर लगा दें, और फिर आप ऊपर इस तरह मसाला लड्डू की तरह तैयार करके और फिर कचौरी में बीच में इस तरह भर दें। ये देखिए मैंने भर दिया, फिर उठा के और फिर ऊपर का एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकाल देना है, फिर हथेलियों से हाथों से जैसे चाहे आप कचौरी का इस तरह आकार दे दें। तो बेलन की यहाँ पे फिर आवश्यकता नहीं होती, ऊपर जो कचौरी का मसाला हाथों पे लगा हुआ है वो ही लग रहा है, अंदर से ये फट नहीं रही, चिपक जाती है, क्योंकि हमने पानी लगा के फिर बंद किया है। तो अगली कचौरी में डाल देंगे, तो कचौरी को डालते ही तुरंत आप ऐसे घुमाना ना शुरू करें, अगली कचौरी जो है आप इस तरह भर के तैयार करना शुरू करें, जैसे जैसे कचौरी सीखेगी वो अपने आप ऊपर आती जाएगी। और इस तरह मैंने अगला भी बेल लिया है ये देखिए, और फिर पानी लगाया है, तो पानी आप ज़रूर लगाएं, बिल्कुल भूलें नहीं, अगर आप भूल गए तो फिर कचौरी फिर खुल जाती है बाद में जब हम तलते हैं। और फिर इस तरह लड्डू की तरह मसाला तैयार करके कचौरी के अंदर भर देना है, और इस तरह सारी कचौरी आप भर के तैयार कर लें। तो पानी ज़रूर लगाएं, इस कचौरी की ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी कचौरी बनाते हैं खुले नहीं, तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं। और ये भी मैंने कढ़ाई में डाल दी है, तो धीरे धीरे ये सिक जाएगी। तो पहली जो कचौरी हमने डाली है वो सिक गई है, तो उसको मैंने पलट दिया है, आँच मैंने बिल्कुल कम कर रखी है फिलहाल, ये देखिए। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप कचौरी भरें तब अच्छे से पानी जरूर लगाएं, पानी लगाएंगे तो मैदा चिपक जाएगा, वो खुलेगा नहीं,
बगैर पानी लगाए हम फटाफट कचौरी को भर के और कढ़ाई में डाल देते हैं। जैसे जैसे वो पकती है वैसे वैसे वो फूलना शुरू हो जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे हम गुजिया में करते हैं, समोसे में करते हैं, समोसे में भी हम किनारे पर पानी लगा के फिर बंद करते हैं ताकि समोसा फूले नहीं, गुजिया फूले नहीं। तो वैसे ही हमें कचौरी के साथ में करना है कि पानी लगा के फिर अच्छे से बंद कर देंगे तो वो फूलेगा नहीं। और जब अच्छे से पक जाए कढ़ाई में डालने के बाद में तब आप पलटें। तुरंत ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में डाला और पलटना शुरू किया फिर वो कच्ची रह जाएगी, ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से फिर वो कच्ची रह जाएगी। तो जब अच्छे से सीख जाए तब आप पलटें। जैसे हलवाई भी यही करते हैं, कढ़ाई में डालते रहते हैं, जब कचौरी ऊपर आ जाती है तब वो पलटना शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगर आप भी कचौरी घर पर बनाते हैं तो वो फूलेगी भी नहीं और अच्छे जो जैसे मार्केट की हम कचौरी ला के खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, वैसे ही आपके घर में भी कचौरी आप बना के इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जैसे अच्छे से ऐसे कलर आने लग जाए जैसे हम हलवाई से लाते हैं वैसा, तो उतने ही हमें तल के तैयार करना है। तो दोनों तरफ से अच्छे से मैं पलट रही हूँ और आँच आप कम ही रखें, फुल आँच ना रखें। कचौरियों का सिद्धांत होता है जितनी कम आँच पे आप तलते हैं उतने ही इनका कलर अच्छा आता है और उतने ही अच्छे से अंदर तक ये पक जाती है। तो साथ साथ में मैं बाकी कचौरियाँ भर के तैयार कर रही हूँ ताकि दोनों काम होते रहे। और पानी लगाना तो बिल्कुल भी आप कचौरी में ना भूलें, फिर आप जो कचौरी तलते हैं फिर वो खुल सकती है। तो अच्छे से इस तरह पानी लगा के फिर मैं कचौरियाँ अच्छे से भर के तैयार कर रही हूँ। और साथ साथ में जो कचौरी हमने कढ़ाई में डाली है उनको चेक करना ना भूलें। और ये देखिए अच्छे से सिक गई हैं, उनको मैं थाली में निकाल रही हूँ। तेल को अच्छे से इस तरह झाड़ के और फिर थाली में निकाल देना है। तो ये कचौरी कढ़ाई में रह गई, अभी थोड़ा सा इसको और कलर चाहिए तो साथ में और कचौरियाँ भी मैं डाल रही हूँ साथ में ताकि साथ साथ में सिकती रहे। और बाकी कचौरियाँ भी मैं भर के तैयार कर रही हूँ। तो आप किस तरीके से कचौरी घर पे बनाते हैं, क्या आपके बनाते समय कभी तेल में ऐसा हुआ है कि आप कचौरी बना रहे हैं और खुल गई है? तो इस बार ऐसे बना के आप ज़रूर देखें, बिल्कुल भी एक भी कचौरी आपकी खुलेगी नहीं है। देखिए आपको दिखा दूँ, एक भी कचौरी नहीं खुली है, जो भी तली है सब अच्छे से बंद है। और अगर आप एक बार बनाएंगे तो खाने में बहुत अच्छी टेस्टी लगेगी आपको। तो आप ज़रूर बनाएं, खाएं और हमें ज़रूर बताएं आपको ये कचौरी कैसी लगी। हमें तो ये कचौरियाँ बहुत पसंद आई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।